अनाथालय को वापस फिर से खुलवाने के लिए आज क्षेत्रीय लोगों का व वहाँ की युवतियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसको खबर मिली कि अनाथालय को सील कर दिया गया है। वह सभी अनाथ बच्चे एकत्रित होते जा रहे हैं, जिनमें से एक आकाश नाम का लड़का है जो अभी दिल्ली से आगरा आया हुआ है। आकाश बताते हैं कि उन्होंने IIT किया हुआ है और दिल्ली में सिविल की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही उनको जानकारी हुई कि वह भी आगरा आ गए, सभी के साथ मिलकर एक मांग की कि अनाथालय को वापस खोला जाए। नाम क्या है? मैं आकाश आर्य नाम है। आकाश, आप कहाँ रहते हो? मैं बचपन से ही वैसे यहीं से पढ़ा बड़ा हूँ। मैं 2.5 महीने का था तब मैं यहाँ पे आया था और यहीं से मेरी पूरी शिक्षा हुई है। और मैंने दयालबाग कॉलेज से BSc ऑनर्स किया है एंड देन आई जस्ट शिफ्टेड टू IIT गांधीनगर, जहाँ से मैंने मतलब MSc फिजिक्स में किया। देन फिर मैंने IIT गुवाहाटी और एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो गांधीनगर था वहाँ से मैंने मतलब अपनी रिसर्च कंटिन्यू करी। देन उसके बाद कंप्लीट करने के बाद अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अभी दिल्ली में मुखर्जी नगर में रह रहा हूँ। यहाँ से मैंने 2015 में यहाँ से चला गया था। जब आपका बचपन गुजरा यहाँ पे, आपको कभी इस तरह का माहौल लगा यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे इस तरीके का कोई माहौल नहीं था। जो भी मतलब था बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे सुबह सुबह मतलब हम हवन वगैरह करते थे डेली, मतलब बहुत जैसे होशियार बच्चे थे हम। जहाँ जहाँ भी जाते थे हम प्राइज़ वगैरह मतलब जीत के लाते थे। मतलब हर चीज़ में यहाँ के बच्चे मतलब बहुत नाम था, संगीत से लेकर चाहे वो चित्रकला हो चाहे किसी खेल की प्रतियोगिता की बात हो। तक मतलब किसी भी तरह की कोई ऐसी नहीं थी हलचल हुई, कोई बात भी निकली जिस? हाँ, ऐसी कोई जो भी जो आरोप, खाना पीना आप लोगों से मिलता? हाँ, खाना पीना मिलता था, सही मिलता, लेकिन पढ़ाई के नाम पर जो कमेटी द्वारा कुछ भी मतलब उस तरीके का नहीं किया जाता था। हाँ, दानदाता से ही डायरेक्ट अनुरोध किया जाता, जैसे कुछ भी अगर बीमारी या कुछ भी अगर पढ़ाई के लिए आपको पैसा चाहिए, कोई दानदाता नहीं है तो उस तरीके की सुनवाई कोई भी प्रबंधन समिति द्वारा नहीं की जाती थी। अगर सपोज किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, अब जैसे बच्चियां हैं उनको बहुत तरीके की ज़रूरत होती हैं जो कि मतलब अब वो महीनों में आ रहे हैं, 2 महीनों में आ रहे हैं, डेली उनका कभी आना जाना होता ही नहीं था। तो बैठे हुए हैं, क्या मांग? हाँ, हमने ये मांग करी है जो भी आनंद फानन में इसको बंद कर दिया गया, जो कि बच्चों का इसमें कोई भी दोष नहीं था। जो भी छोटे छोटे बच्चे थे, जो भी चीज़ें पाई गई वो सब अव्यवस्थाएं थी, जैसे पंजीकरण ना होना, बच्चों का रिकॉर्ड ना होना, और अगर जैसे बालिग उन पे आरोप लगाए, जैसे उनके बैंक ट्रांजेक्शन थे तो 1500-3000 के बीच में थे और वो बालिग हैं, दयालबाग में पढ़ रहे हैं। तो आजकल तो जो अकाउंट लिमिट ही होती है बैंक लिमिट, वही 4-5 हज़ार है। अगर आप महीने पे 1500-2000 के बीच में ट्रांजेक्शन होता तो उसको आप किस तरीके से उस पर दोष लगा सकते हो? तो वो तो एक बहुत ही मनमाना तरीका है, मैं कहना चाहूँगा। अगर और आजकल बात की जाए, उन्होंने कहा कि मोबाइल था बच्चियों पे, मोबाइल कोई 80,000 या 1,00,000 का नहीं था, वो 8,000-10,000 के बीच का मोबाइल था, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। आजकल इतनी सिक्योरिटी अगर बच्चियों की, अगर कोई जाता है बाहर जाता है, अगर कुछ वाक्या होता है, क्योंकि प्रबंधन समिति तो यहाँ की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी अगर लड़की के साथ कुछ हो जाए? क्योंकि वो सुबह 8 बजे जा रहे हैं, शाम को 5 बजे पढ़ के आ रहे हैं, फिर ट्यूशन भी पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ये सहायता नहीं करते कुछ भी ऐसी आने जाने की, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? तो मोबाइल रखना तो जो पैसे कमाते थे अपने 100 पूरे करें, जो फोन जो भी 8-9 हज़ार का, तो आजकल तो जरूरी पड़ता ही है। अगर आप सेफ्टी नहीं होगी, अगर किसको कॉल करोगे आप? अगर पढ़ाई के लिए जैसे मैं ही हूँ तो मुझे बिना मोबाइल के आप किससे पढ़ोगे? अगर आपको PDF बुक्स ही नहीं है आपके पास, तो PDFs या कुछ ना कुछ डाउनलोड करके पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो तो चीज़ आपकी मतलब जायज है, आपको रखना ही पड़ेगा। और अगर मांग करना चाहते हैं कि आश्रम द्वारा खुलना चाहिए, हाँ, आश्रम द्वारा खुलना चाहिए, जो भी प्रबंधन समिति पर जो भी गलतियाँ थी उन पर कोई भी बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि जो भी हुआ, अगर आपका पंजीकरण नहीं था, प्रशासन द्वारा सर्कुलेशन नोटिस जारी करना चाहिए था, जो कि एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि प्रबंधन समिति की भुगतान या हाँ बच्चों को करना पड़ रहा है जांच। दिल्ली से कब आए यहाँ पर? मैं 4 हाँ मतलब परसों आया हूँ। आपको जानकारी कब हुई? मुझे जब दूसरे दिन ही जानकारी हो गई थी, लेकिन यह है वहाँ से मुझे परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, तैयारी भी चलिए, तो तभी मैं आया यहाँ पे। कमेटी, आप मुख्य अंशों में बैठे हुए हो? पहले हमारे पापा लग रहे थे यहाँ पर, 30 साल हो गए लग रहे हैं, हमारे पापा खत्म हो गए, फिर मेरा भाई लगा लिया था यहाँ पर, फिर वो कुछ नहीं देते थे, कपड़ा और खाना पाना देते थे और कुछ नहीं मिलता पैसा। आपके भाई का क्या मैटर हो गया जो आपके यहाँ से? अब जे कम तो मेरा भाई फंसाया गया है जेल में, आपके भाई? हाँ, मेरा भाई जेल। क्या नाम है आपके भाई का? सोनू नाम था। क्या है
उम्र कितनी हो गई आपके भाई की? 18 साल का है। तो कितने साल से वो यहाँ पे काम करते हैं? हमारे 2 साल हो गए, हमारे 4 साल हो गए। आप क्या मांग रखना चाहती हैं? मेरा भाई छोटा है, मैरिज करवा दें। ठीक है, लगातार इतने दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आश्रम खुलवाने के लिए, किसी ने अभी तक सुनवाई करी है? नहीं, अभी तक किसी ने भी सुनवाई नहीं करी। हम डेली यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आज सभी बच्चे जो भी दीदियाँ हैं वो सभी अनशन पे बैठी हुई हैं। तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं है। आपके क्षेत्र के विधायक आए आपसे हालचाल पूछने? नहीं, अभी कोई भी नहीं आया। नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी यहाँ पर, कोई भी नहीं आया। अभी कोई नहीं आया, क्षेत्र के विधायक ने कोई झांका भी नहीं है? नहीं नहीं, कोई अधिकारी और आए? नहीं, कोई अधिकारी और कोई भी नहीं आया। कोई भी हमसे यहाँ पूछने नहीं आया कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों नहीं बैठे, कोई आपको पूछने के लिए भी नहीं आया? नहीं। ठीक है, लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।